हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जिसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। न्यूक्लियस की कुछ बेसिक बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस, या फिर न्यूक्लियस के जो नंबर है ना, कि किसी भी सेल में न्यूक्लियस का कितना नंबर हो सकता है, इसकी बेसिस पर देखेंगे कि हमारे पास सेल कितने टाइप्स की होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किन किन कंपोनेंट्स से बना है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर इनविलोप, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज है, तो इसकी जो इन्विलोप है, जो मेम्ब्रेन है, उनका फंक्शन क्या है, है ना, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इज क्रोमेटिन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक मटेरियल, है ना, जब हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए, डीएनए का जब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पढ़ा था, तब वहाँ पर हमने बताया था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, डीएनए से कैसे जो मॉल, जो हमारे पास डीएनए है, है ना, जो पॉलीपेप्टाइड चैन है, वो किस तरीके से क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है। हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में हमने देखा था कि कैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है, और क्रोमेटिन जो है ये कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। दैट मीन्स क्रोमेटिन से, है ना, क्रोमेटिन से कैसे क्रोमोसोम बनता है, इसको भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, जब हम लोगों ने डीएनए पैकेजिंग पढ़ी थी वहाँ पर। तो इसको तो यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में विद द नोट्स टू द पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे पहले देख लें, है ना। मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसमें हमने मोस्ट आप चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, है ना, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था, और हमने देखा कि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज थी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इनके बारे में बात की थी। इसके बाद हमने वन बाय वन करके सभी ऑर्गेनलीज के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है, और आपके सामने टू द पॉइंट चीज़ों को प्रेजेंट भी किया है नोट्स के फॉर्म में। तो आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ओके। एंड लास्ट में क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है इसका फंक्शन क्या है। आई होप आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, क्या रोल है न्यूक्लियस का, ओके। तो लेट्स नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, आप सभी को पता है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जो न्यूक्लियस है, दिस इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक सेल का ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था क्या, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कैरियन प्रेजेंट है, ये कैसा था, प्रिमिटिव। यहाँ पर एक्चुअल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, केवल हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, है ना, जो कि नॉन निकेट था, सॉरी, जो कि निकेट था, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, जिससे हम क्या कह रहे थे, न्यूक्लियॉइड कह रहे थे, है ना, जिससे हम न्यूक्लियॉइड कहते थे। लेकिन
जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल थी, इसके पास क्या है, यू मीन्स ट्रू, है ना, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, सभी यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियन, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, है ना। ट्रू न्यूक्लियस के बेसिस पर ही हम सेल का नाम क्या रख रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं, या यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर। अगर इसके फंक्शन की बात करें, है ना, तो ये क्या है, न्यूक्लियस, सबसे पहली बात तो ये सपोज करिए हमारे पास सेल प्रेजेंट है, है ना, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, जो ये साइटोप्लाज्म है सेल का, एंड जो न्यूक्लियस का हमारे पास मैट्रिक्स है ना, या जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या कर रहा है, इसको इससे सेपरेट कर रहा है ना, साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट कर रहा है। एंड जो इसकी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक मशीनरी है, उसको परफॉर्म करता है कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इनहेरिटेंस मटेरियल है ना। तो इसमें ये इसकी जो मेटाबॉलिक मशीनरी है, उसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है ना, यानी कि उसको साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियर प्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट रखें, इसके लिए बाउंड्री प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट बात करें अगर इसकी डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, सभी जानते हैं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना, ये तो पॉइंट आप सभी को लर्न होगा। बट सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने एम्फीबियन एंड एवियंस की एर्थ्रोसाइट दैट मीन्स आरवीसी सेल्स में, ठीक है, आरवीसी में सबसे फर्स्ट टाइम किसकी, आरवीसी में एम्फीबियन एंड एवियंस की, एम्फीबियंस एंड एवियंस की आरवीसी में सबसे फर्स्ट टाइम एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1710 में सबसे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब किया था, यानी कि एम्फीबियन या एवियंस की एर्थ्रोसाइट सेल में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1710 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। लेकिन लेटर जो है इसकी डिटेल स्टडी, या फिर यू कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को, जिन्होंने 1831 में किया था। तो आप ये दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे, ओके। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है ना, क्या है, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, जो ये आपके पास प्रेजेंट है ग्रीन कलर, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये आपकी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलोप भी कहते हैं। नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, मैट्रिक्स है ना, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है ना, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट है। एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही क्या है, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड इसके साथ साथ जो हमारे पास न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। एक्चुअल में जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में इस तरीके से न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा,
अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक जो हमारे पास सेल्स है ना, जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नंबर की बेसिस पर कितने टाइप्स की हो सकती है, तो ये आपकी 4 टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल हमारे पास है ये न्यूक्लियस के नंबर की बेसिस पर 4 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज यूनि न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट एंड यू न्यूक्लिएट। ठीक है, कौन कौन सी? यूनि न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, है ना, इसके साथ साथ यू न्यूक्लिएट। तो ये 4 टाइप्स की हमारे पास सेल्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट अगर बात करें कि जो हमारे पास यूनि न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, ठीक है, जो यूनि न्यूक्लिएट सेल्स हैं यानी कि हमारे पास ये एक सेल प्रेजेंट है, इसमें ओनली 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें ओनली 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ऐसी हमारे पास कौन सी सेल्स हैं? मोस्टली प्लांट की जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, मोस्टली जितनी भी प्लांट की सेल होती हैं उनमें जो है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरीफेरल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? पेरीफेरल होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसका मोस्ट ऑफ 90% पार्ट जो वैक्यूल्स है वो कवर करके रखता है। ठीक है, तो ये यूनि न्यूक्लिएट सेल मुझे कहाँ देखने को मिलेगी? मोस्टली प्लांट सेल में। अब बात करते हैं बाई न्यूक्लिएट सेल की, है ना, तो बाई न्यूक्लिएट सेल हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डाईकैरियोटिक सेल। अगर हमारे पास ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, तो इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम 2 न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? 2 न्यूक्लियाई कहेंगे, एक ही सेल में प्रेजेंट होंगी, और इस सेल की कंडीशन को हम डाईकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? डाईकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, और ऐसी सेल्स मोस्ट ऑफ फंजाई में भी प्रेजेंट होती है ना, फंजाई में भी प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ अगर एनिमल सेल में बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पैरामीशियम में। पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, एक तो मेगा न्यूक्लियाई या फिर मेगा न्यूक्लियस, जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं, एंड एक हमारे पास प्रेजेंट होगा माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है एक्चुअल में यही इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले करता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल की जो इनहेरिटेंस होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियस वो है माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस। एंड इसके साथ साथ वैलेंटीडियम में प्रेजेंट होते हैं 2 न्यूक्लियस, लीवर सेल्स में भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं उनमें भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से एग्जांपल ही याद रखने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से एग्जांपल याद रखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स ऐसी हैं एनिमल्स में जो बाई न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्लियर? अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगेंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। और हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को साथ साथ राइट डाउन करते चलें, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें, जब भी आप चीज़ों को राइट डाउन करते हैं या देखते हैं उन्हें, अगर देख देख कर आप बार बार उन्हें पढ़ते हैं तो जो इम्प्रिंटिंग मेमोरी होती है ये लर्निंग मेमोरी से स्ट्रांग होती है ना, जो इम्प्रिंटिंग मेमोरी होती है ये हमारी लर्निंग मेमोरी से स्ट्रांग होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी आप पढ़ो तो उसे राइट डाउन जरूर करो अपनी हैंड राइटिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल कौन सी होती है। मल्टी न्यूक्लिएट सेल को हम पॉली न्यूक्लिएटेड सेल भी कहते हैं, यानी कि ऐसी सेल्स, ठीक है, ऐसी सेल्स जिनमें मोर देन 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मोर देन 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी तो ऐसी सेल्स को हम पॉली न्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहेंगे। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कहाँ प्रेजेंट हैं? प्लांट में जो लैटेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्लांट में जो लैटेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फैमिली मोरेसी की प्लांट, जैसे कि फाइकस फिग, है ना, फिग प्लांट में,
तो जो ये लैटेक्स सेल्स प्रेजेंट होती इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, है ना, मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड लैटेक्स वेसल्स जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेटेड मसल सेल्स जो हमारी स्केलेटन सेल्स हैं, है ना, जो हमारी स्केलेटन सेल्स हैं जो जिसे हम स्ट्रेट मसल्स कहते हैं, इसमें भी कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आई थिंक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, तब वहाँ पर हम मसल्स और टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में न्यूक्लियस की क्या पोजीशन होती है और इनमें तीनों सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। एंड इसके साथ साथ जो बोन मैरो की सेल्स होती हैं, है ना, जो टी सेल्स एंड बी सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनमें भी क्या होता है, वो भी कैसी सेल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स मीन्स ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है। सेल्स विथआउट अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, है ना। कुछ हमारे पास ऐसी लिविंग सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मैच्योर सीयूटिव ऑफ फ्लोएम सेल्स, है ना, जो हमारे पास प्लांट में वेसिकुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंतर्गत जो हमारे पास सीयू ट्यूब सेल्स आती हैं, ठीक है, कौन सी सीयू ट्यूब सेल्स, जो कैसी है, मैच्योर सीयू ट्यूब सेल्स में, मैच्योर सीयू ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन की या मैमेलियन की जो आरबीसी सेल्स हैं, ठीक है, वो भी कौन सी, मैच्योर, मैच्योर आरबीसी में भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो मैमेलियन की मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और मैमेलियन की जो मैच्योर आरबीसी है, ठीक है, कैसी, मैच्योर आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी है ये कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसी सेल्स बताइए मैमेलियन की जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या आरबीसी का शेप कैसा होता है, ठीक है, तो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। या आपसे पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की लाइफ स्पॉन क्या है, आरबीसी की ओरिजिन कैसे होती, तो यही सब लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लियर। एंड इसके साथ साथ मैमेलियन में जो मैच्योर आरबीसी हैं वहाँ पर तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट कैमल्स एंड लामा, कैमल्स और लामा में जो आरबीसी प्रेजेंट होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल होकर भी यूनिवर्सल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सेप्शन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो मैमेलियन सेल का एक्सेप्शन है कि कैमल्स एंड लामा जो होता है उसमें जो आरबीसी होती है, ठीक है, मैच्योर, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो यंग आरबीसी होती है मैमेलियंस की, ठीक है, जो यंग आरबीसी होती है मैमेलियंस की उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए अब तो हमने देख लिया कि जो नंबर के बेसिस पर, न्यूक्लियस के नंबर के बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप की सेल्स थी और उनके एग्जांपल्स भी देख लिए, आई होप आप उन्हें अच्छे से याद रखेंगे। नाउ अगर हम न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें तो ये 6 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, और ये टोटल सेल का, ठीक है, टोटल सेल का 10% वॉल्यूम को कवर करता है, ठीक है, कितना, 10%, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एंड न्यूक्लियर इन्विलोप जिसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूड है, जो फ्लूड इंटीरियर पोर्शन है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियस के पेरीफेरल, है ना, न्यूक्लियस के पेरीफेरल एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, कैसी, डेंस क्लस्टर ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स एज वेल एज राइबोसोम, वहाँ पर कुछ
आरएनएज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लस्टर के फॉर्म में। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। एंड जो न्यूक्लियस है जहाँ पे मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन एक्चुअल में क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन्स। अच्छा, जो क्रोमेटिन है, आप बताएंगे मुझे, जो क्रोमेटिन है ये डीएनए की पैकेजिंग के बाद बनी है ना, क्या हुआ था, डीएनए की पैकेजिंग हुई थी और डीएनए की पैकेजिंग के बाद क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हुआ था, है ना, उसके बाद क्या होता, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप बताएंगे कि मुझे क्रोमेटिन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो आप नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, प्लीज़ इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा। जो क्रोमेटिन है, ठीक है, क्या जो क्रोमेटिन है इसमें क्या सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, नहीं, सुनिए, डीएनए प्लस आरएनए, ठीक है, कुछ अमाउंट आरएनए का भी यहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन, है ना, हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास थी ऑक्टामर प्रोटीन, उसी ने तो डीएनए पैकेजिंग में अपना रोल प्ले किया था। तो डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, इसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो चाहे इसको क्रोमेटिन कहें, जब क्रोमेटिन और डेंस फॉर्म में आ जाती है, फर्दर इसमें हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, तब यही क्रोमेटिन चलकर क्या बना लेती है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेती है, है ना, तो यही सारी चीज़ें क्या है, क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पर हमने आपको फिर से एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है ना, वही सारी चीज़ें फिर से मेंशन है, ये इसका मैट्रिक्स, इसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, है ना। चलिए अब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस की, यानी कि इसको आपको स्लाइड पर दिखाया गया है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर इन्विलोप प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ओके, एंड ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर में एक्चुअल में ना क्या होता है कि ये ऐसे पोर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर आपका पोर प्रेजेंट होता है, जिससे कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके बीच में कम्युनिकेशन हो सके। ओके, नाउ ये आप देख लें, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, आरएनए है, प्रोटीन्स है एंड कुछ राइबोसोम प्रेजेंट है। और जो ये न्यूक्लियर पोर है ना, इन्हें क्या हम कहते हैं, एनुलस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनुलस। ये जो आपका न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे छोटे छोटे एनुलस प्रेजेंट होते हैं, यही एनुलस कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं जब साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये क्या है, क्रोमेटिन है ना, जो ये आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही क्या है, क्रोमेटिन है। यही क्रोमेटिन फाइबर जब फर्दर कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद यही क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इस तरीके की जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमोसोम की पोजीशन आपको सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज स्टेट में देखने को मिलती है, मियोसिस की मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलती है। क्लियर, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसे आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर इन्विलोप या फिर न्यूक्लियोलेमा कहते हैं, इस
पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलोमा। न्यूक्लियोलोमा का सिंपली क्या फंक्शन है? साइटोप्लाज्मिक और जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको सेपरेट करता है। कंसिस्ट ऑफ टू लिपिड बाईलेयर्स, जो भी मेम्ब्रेन होगी चाहे वो किसी भी ऑर्गेनली की हो या सेल की हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी हुई है? लिपिड बाईलेयर की, ठीक है, लिपिड बाईलेयर की बनी हुई है, जिसमें क्या है? फास्फोलिपिड है। क्लियर? नाउ हमारे पास टू मेम्ब्रेन्स हैं, है ना, जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेनस है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, द न्यूक्लियर इज अ डबल लेयर्ड, है ना, मेम्ब्रेन प्री परफोरेटेड विथ पोर्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या अभी हमने बताया? पोर्स प्रेजेंट है, व्हिच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मटेरियल गोइंग टू इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, सपोज करिए आपके पास एक ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये सपोज करिए आप पोर्स प्रेजेंट है, ये यहाँ आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है? एक तो आपका डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, और दूसरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब यही मैसेंजर आरएनए मैच्योर होने के बाद, जब इसकी स्प्लाइसिंग वगैरह हो जाती है, इसके बाद यही मैसेंजर आरएनए कहाँ ट्रांसफ़र करता है? साइटोप्लाज्म में, है ना। यही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करता है, तब साइटोप्लाज्म में क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब प्रोटीन बनना है, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास है इसको साइटोसोल में आना है, तो साइटोसोल में आने के लिए कुछ चैनल्स तो होना चाहिए, तभी तो आएगा। तो उसके लिए जो ये न्यूक्लियर पोर हैं, ये गेट प्रोवाइड करते हैं, ये चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं की हेल्प से जो ये मैसेंजर आरएनए है या और भी जो भी यहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, वो भी आकर कहाँ आते हैं? साइटोसोल में, या फिर न्यूक्लियस को, या फिर न्यूक्लियस को जब भी किसी प्रोटीन की रिक्वायर होती है, है ना। अब रिप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, है ना, रिप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, तो इनके लिए तो इंजाइम चाहिए ना। इंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो है, तो इन्हें साइटोसोल में न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। तो इन या आउट होने के लिए जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स या फिर मैसेंजर आरएनए, इन्हें इन या आउट होने के लिए गेट कौन प्रोवाइड करता है? चैनल्स कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर पोर। क्लियर? न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड करता है। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परफोरेटेड क्यों होती है आउटर मेम्ब्रेन, क्यों न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, और क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियर पोर का। तो मेन फंक्शन यही है, ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पर डिस्कस हैं। अच्छा, हमने बात की थी कि राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको अभी हम जब न्यूक्लियोलस को पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कैसे राइबोसोम प्रेजेंट है। प्लीज़ हर एक बात को अच्छे से सुनना, कोई डाउट ना रहे, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, चाहे वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ये क्या करती है? न्यूक्लियस को सेप एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि हेल्प्स द न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग। जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसे कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है कौन? न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट इज कंपार्टमेंटलाइजिंग। कंपार्टमेंटलाइजिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने क्या बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट है जहाँ पर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है,
तो ये एक इसका कंपार्टमेंट हो गया है ना इसके लिए। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो ये सेल पूरी है यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। गॉल्जी बॉडी में क्या होता है, वहाँ पर प्रोटीन का मैच्यूरेशन होता है, ग्लाइकोस्टाइलेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके घर में अलग अलग रूम है, जैसे कि किचन आपका अलग है, डाइनिंग रूम अलग है ना, गेस्ट रूम अलग है। इस तरीके सेल के अंदर कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक कंपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए। इसके साथ साथ ये क्या करता है, अभी हमने बताया आपको कि साइटोप्लाज्मिक एंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके मटेरियल को एक्सचेंज करने में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, तो वही कम्युनिकेशन अभी हमने आपको बताया क्या करती है, डेवलप्स अ केमिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल, है ना। जो भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, जो भी मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे हमारे न्यूक्लियस को रिक्वायर है प्रोटीन की, तो फिर साइटोसोल से प्रोटीन न्यूक्लियस को जाएगी, है ना। न्यूक्लियस में जो भी मैसेंजर आरएनए बनना है तो वो कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा। तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। ओके, तो जो न्यूक्लियर पोर है, अगर इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, तो इसका यही एक यूकैरियोटिक सेल का ही करैक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जो चैनल्स हैं, स्मॉल सिलेंड्रिकल चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन साइटोसोल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जो मेमेलियन सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, समझना। जैसे ये आपके मेमेलियन सेल है, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर हैं वो 3000 to 4000 अप्रॉक्सीमेटली पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस बात को आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। और ये पोर क्या होते हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं, ठीक है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड होते हैं। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है ना, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक की तरह वर्क करता है ना। जब भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होगा, एक्सचेंज करना होगा, तभी इनका डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी ये अलाउ करेंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, ठीक है। जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है पेरीफेरी पे, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है। और मोस्टली इसमें ना वाटर ही प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास सेल है उसमें 70 to 75% क्या वाटर प्रेजेंट होता है ना, 70 to 75% वाटर प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल में मोस्ट ऑफ अबंडेंट किस कंपोनेंट की होती है, दैट इज़ वाटर की, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स की, क्लियर। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसमें मोस्टली जो है वाटर ही प्रेजेंट होता है। एंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये किसके सिमिलर होता है, साइटोप्लाज्म के ही सिमिलर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। और जो भी इस न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो क्या करती रही, फ्लोट करती रहती, फ्लोट इन द साइट, क्लियर। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो ये भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में। और जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस, उसके कम्युनिकेशंस में। एंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें क्या प्रेजेंट है, मोस्टली वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड डिजॉल्व आयंस, यहाँ पर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विथ इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन विलोफ, है ना। जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियस के अंदर, ये अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर इनविलोफ से कवर है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, है ना, बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, इसके साथ साथ यहाँ पर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है,
आपने भी देखा कि ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है ना, ये आपका पूरा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से देख रहे हैं आप, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन से जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास टू टाइप का है, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER, इसके पास क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और जो हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास राइबोसोम नहीं है। अच्छा, तो ये राइबोसोम फिर आते कहाँ से, यानी कि उनकी ओरिजिन कहाँ से हो रही राइबोसोम की। जो राइबोसोम की ओरिजिन है ना, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोलस से होती है, ठीक है। जो राइबोसोम की ओरिजिन है ये एक्चुअल में न्यूक्लियोलस है, इसी से होती है, न्यूक्लियोलस से। फिर ये न्यूक्लियर पोर की हेल्प से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम है इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना, तो ये बाहर आ जाते हैं और कुछ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं और कुछ साइटोसोल में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। तो जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये तो आपका एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस का फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। राइबोसोम एज वेल एज न्यूक्लियोलस कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते, यानी कि इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। और अगर न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की बात करें तो किसने किया था, फोंटाना ने किया था, ठीक है, FONTANA फोंटाना ने जो है इसकी डिस्कवरी किया था, क्लियर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करें तो जो हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस का 25% कवर करता है, और ये ना मोस्टली पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी पर, और ये 25% वॉल्यूम न्यूक्लियस का कवर करता है। सेल्स में ये दो हो सकते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर एक ही हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके पास क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि प्रोटीन आरएनए से बना है, इसके साथ साथ राइबोसोम को भी ये ओरिजिनेट करता है। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट राइबोसोम, यानी कि ये इनकम्प्लीटली क्या करता, राइबोसोम का भी फॉर्मेशन कर लेता है, क्लियर। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, अच्छा न्यूक्लियोलस के फंक्शन की बात करें तो साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन असेंबलीज ऑफ राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स को क्या करता है, ये अभी हमने बताया कि ओरिजिनेट करता है ना, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, क्या करता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए की भी ये सिंथेसिस करता है। तो ये इतनी बात तो हो गई न्यूक्लियोलस की, ठीक है, यहाँ तक हमने न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर्स देखा, न्यूक्लियोलस का फंक्शन देखा। नाउ आप देखेंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है, कंट्रोल एंड जीन रेगुलेशन, ठीक है, ये क्या करता है, जीन का रेगुलेशन करता है एंड इसे कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है, सी लेट्स नाउ, देखिए द न्यूक्लियस ओरेसिस सेल्स फंक्शंस एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर कीपिंग द सेल हेल्दी एंड अलाइव, है ना, ये सेल की मोस्ट ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि सेल हेल्दी रहे और कैसी रहे, अलाइव रहे, है ना। अगर सेल हेल्दी नहीं या डैमेज हो गई, ठीक है, तो फिर ये सिग्नल देगा उसको रिपेयर करने की, अगर नहीं रिपेयर हुई तो फिर लाइसोसोम को सिग्नल मिलेगा और वो उसे क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक तो ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये उसकी मैकेनिज्म, जो उसका फंक्शन है, जो उसकी मैकेनिज्म सेल की है, उसको ये रेगुलेट करता है, ओके। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द सेल
थ्रू द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एनर्जी एंड न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म। जो न्यूक्लियस है ये सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ऐसा तो नहीं कि बस सेल ग्रोथ ही करती रहती है ना। सेल का एक अपना पर्टिकुलर साइज होता है ना। सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। तो हर एक सेल की ग्रोथ को भी कौन रेगुलेट करेगा, न्यूक्लियस। और कैसे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी किसकी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाने की। तो डीएनए से अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में भेजेगा और मैसेंजर आरएनए से स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा, है ना, साइटोसोल में भेजकर। तो ये कौन काम करवा रहा है, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस एक सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस रेगुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, विच आर मेड अप इन द न्यूक्लियोलस एंड और द साइट्स ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन यानी कि मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा उसे भी कंट्रोल करेगा और राइबोसोम के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। जैसे ये आपका न्यूक्लियस था, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ये आपका न्यूक्लियोलस था। तो अब न्यूक्लियोलस राइबोसोम की सिंथेसिस तो कर रहा है, तो राइबोसोम की सिंथेसिस करने के बाद ये राइबोसोम आएगा तो न्यूक्लियस में ही और न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में आएगा। तो इसका सिक्रीशन कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए साइटोप्लाज्म में, तो इसको भी जो है न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हमने देखे किसके बारे में, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस के बारे में। और इसके साथ साथ देखा कि न्यूक्लियस एक सेल को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उसे रेगुलेट करता है। क्लियर, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप आपने चीज़ों को राइट डाउन किया होगा, है ना। तो वो बहुत ही कॉन्साइज तरीके से हमने बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किया है जिससे कि आप कम समय में अच्छे से पढ़ सकें और आप पीडीएफ भी ऑब्टेन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और कॉन्टिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ना। इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड जो आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, आप सभी लोगों का इतना प्यार मिलता है, ठीक है, बहुत बार मतलब हमें अच्छे कमेंट मिलते हैं कि मैम आप नोट्स बहुत अच्छा बनाती, मैं कहाँ से इसे ऑब्टेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हमें जो है पीडीएफ का लिंक या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहीं से आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे प्रिंट आउट करवा लीजिए या अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना लीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मैं उस टॉपिक को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।